मैं सुरेश भार्गव एक सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता हूँ आप सबको। एक व्यक्ति 350 सांसदों को लेकर आपके सामने आंसू बहाकर समर्थन मांग रहा है, और किस बात के लिए? काला धन खत्म करने के लिए। विश्व की तमाम राजधानी में जाकर भारतवंशियों से सहायता मांग रहा है। 16 से 20 घंटे काम कर रहा है। होली, दीपावली, ईद सैनिकों के बीच मना रहा हो। 3 सालों से हर रविवार आपकी छोटी छोटी बातों पर बात कर रहा है। जिसकी माँ 8x10 के कमरे में और भाई किराना की दुकान चलाता हो। क्या चाहते हैं आप? किस पैगंबर की तलाश है? एक बात जान लीजिए आप सब, यदि मोदी आतंकवाद, काला धन, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए तो माइका लाल कोई भी नहीं कर पाएगा। वही जंतर मंतर पर कैंडल लेकर चक्कर काटोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जीवन वाले व्यक्ति ने जिस अंदाज में सार्वजनिक मंच से कहा है कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इससे स्पष्ट हो गया है कि स्थिति बहुत भयंकर और असहनीय रूप ले चुकी है। एक अकेला व्यक्ति 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिस्से का जहर नीलकंठ महादेव बनकर पी रहा है। एक अकेला व्यक्ति देश के अंदर मौजूद सारे राक्षसों के साथ साथ अनगिनत विदेशी दुश्मनों, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना, ISI, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद चीन निशाने पर है। क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार किसी अकेले आदमी ने इतने सारे दुश्मनों की एक साथ नींद हराम कर दी है। यह अच्छाई और बुराई का महासंग्राम है। हमको तैयार रहना है और अपने प्रधानमंत्री का साथ देना है, क्योंकि अगर इन सभी राक्षसों ने प्रधानमंत्री को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया तो फिर सदियों तक कोई दूसरा ऐसा नेता पैदा नहीं होगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, क्या आप हो? अगर हो कोई मैसेज को आगे बढ़ा दो।